छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में उत्कृष्ट महिला कल्याण समिति का 13वां स्थापना दिवस अयप्पा मंदिर में मनाया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का कलाकारों ने प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस अवसर पर शिक्षा, समाज, कला, पत्रकारिता क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल की पत्नी रजनी बघेल रही। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों का पुष्पित पौधों को भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही कोरोना काल में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि यह खुशी का अवसर है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाला का सामाजिक सम्मान किया जा रहा है। सबको साथ लेकर चलने का यह प्रयास प्रशंसनीय है। शिक्षा का महत्व आज बढ़ता जा रहा है। शिक्षा एक वरदान है और शिक्षा अभिशाप है। शिक्षा हमें तरक्की की ओर ले जाती है, शिक्षा जागरूकता लाती है। इसी के लिए मातृशक्ति को महत्व देना होगा। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें रोशनी का दीपक जलाना है, अंधकार को भगाना है। हम शिक्षा के जरिए समाज को जगाएंगे। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है, इसीलिए यहाँ की मातृशक्ति गौरवान्वित हुई है। इस अवसर पर सार्थ चंद्राकर द्वारा बाल एकांकी नाटक प्रस्तुत किया गया। वहीं कुमारी नैना शर्मा द्वारा राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान रजनी रजक, डॉक्टर मणि मेखला शुक्ला, आरती जय कुमार द्वारा अर्पा परा के धार सुरमे के गीत प्रस्तुत की गए। आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वालों को शाल, श्रीफल, मोमेंटो से सम्मानित भी किया गया।